रवि और इमली दिल्ली जा रहे थे। उनकी ट्रेन सुरंग के नीचे से होकर गुजरने लगती है और बहुत ही अंधेरा हो जाता है। इमली बोलती है, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुना है सुरंगों में भूत रहती हैं, चुड़ैलें रहती हैं। रवि कहता है, ऐसी बात नहीं है, कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती है। उनके बगल में एक बूढ़ी दादी बैठी थी, वो कहती है कि नहीं बेटा, चुड़ैलें होती हैं। मेरे साथ ये हादसा हुआ है और मैं इसलिए चुड़ैलों पे यकीन करती हूँ। क्या हादसा हुआ है दादी माँ? चलो मैं तुम्हें सुनाती हूँ यह किस्सा। यह उन दिनों की बात है जब मैं एक छोटी लड़की थी। हम लोग रामपुर गांव में रहते थे। वह गांव बड़ा ही हंसी खुशी वाला था, सब एक दूसरे की मदद करते थे, सब खुश थे। पर अचानक एक दिन उनकी खुशियों को नज़र लग जाती है। कहीं से वहां पर एक बहुत ही भयानक चुड़ैल आ जाती है। वह चुड़ैल भी बहुत ही अजीब थी। वह ऐसे ही किसी को नहीं मारती थी, वह लोगों से पहेलियां पूछती थी और जब कोई उस पहेली का जवाब नहीं देता तो वह उसे खा जाती थी। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी वहां पे चुड़ैल आ जाती है। वह बहुत ही डर जाता है। पहेली बताओ नहीं तो मैं खा जाऊंगी, पहेली बताओ नहीं तो मैं खा जाऊंगी, बूझो मेरी पहेली, जल्दी बूझो, जल्दी बूझो, बूझो मेरी पहेली। एक फूल है जिसका रंग काला, हमेशा सिर पर सुहाए, जब धूप हो तेज वो खिल जाता, लेकिन छाँव में वो मुरझाए। जल्दी से इस पहेली का जवाब दो, नहीं दोगे तो खा जाऊंगी, जल्दी करो, बूझो मेरी पहेली। पर बेचारे रामू को तो पहेली का जवाब पता ही नहीं था। वो बोला, मुझे नहीं मालूम है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन चुड़ैल उसे छोड़ने वाली कहाँ थी, वो उसे खा जाती है। चुड़ैल इस पहेली का जवाब देती है और कहती है कि जब देखो इसका इस्तेमाल तुम लोग करते हो और जवाब ही नहीं पता है, इसका जवाब है छाता। इस तरह चुड़ैल सभी गांव वालों से पहेलियां पूछती है और वो लोग जवाब नहीं दे पाते और वो उन्हें खाती जाती है। उसी गांव में मीरा नाम की एक लड़की थी। वह बहुत ही होशियार, सुंदर और समझदार थी। उसने सोचा कि अब वह चुड़ैल के सामने जाएगी और उसकी पहेलियों का जवाब देने की कोशिश करेगी। सब लोग उसे बहुत ही समझाए कि उस चुड़ैल के सामने मत जाओ, लेकिन वह नहीं मानी और वह जंगल में चली गई। कुछ दूर आगे जाने के बाद मीरा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे आगे दो रास्ते दिखाई देते हैं। क्या आप मीरा की मदद करेंगे? आप अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिए। मीरा बी वाला रास्ता चुनेगी और आगे बढ़ जाएगी। फिर मीरा आगे बढ़ती है तो कुछ दूर जाने के बाद उसे बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई देती है। वो इधर उधर देखती है तो उसे झाड़ी में एक चिड़िया फंसी दिखाई देती है। वो जाती है और चिड़िया को बाहर निकाल देती है। चिड़िया खुश हो जाती है और उससे पूछती है, इतने घने जंगलों में क्या करने आई हो? इस घने जंगलों में खतरनाक जानवर है, एक भयंकर चुड़ैल है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मीरा कहती है कि मैं उस खतरनाक चुड़ैल की पहेली का जवाब देने आई हूँ। तो क्या तुम उस पहेली वाली चुड़ैल की बात कर रही हो? बेचारी चुड़ैल, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अरे उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ था। बहुत समय पहले की बात है, कनक नाम की एक लड़की थी जो मंद बुद्धि थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लोग उससे कुछ भी पूछते वो नहीं बता पाती तो लोग उसके ऊपर हंसने लगते थे। इसी कारण वह नदी में कूद करके अपनी जान दे दी और एक चुड़ैल बन गई और लोगों से
वह पहेली पूछने लगी और जो उसकी पहेली का जवाब नहीं देता वह उसे खा जाती है, और जो उसकी पहेली का जवाब दे देगा तो उसे मुक्ति मिल जाएगी। मीरा आगे बढ़ती है तो कुछ दूर पे ही उसे पेड़ पर चुड़ैल दिखाई देती है जो बोलती है, आओ आओ मेरी पहेली का जवाब देके जाओ जाओ। मीरा उसके पास जाती है और बोलती है, पूछो पहेली। चुड़ैल पहेली पूछती है और बोलती है, काली धूप पर कोयल लगी लंबी फुफकार करती है और अपने घर पर काफी चाहती है तेरा नाम बताती, जल्दी पूछो जल्दी पूछो नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। मीरा सोचने लगती है, तो दोस्तों मीरा से पहले क्या आप इस पहेली का जवाब दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिए। हमारी मीरा तो है ही समझदार, वो झट से बोलती है, चोटी, और इतना कहते ही वो चुड़ैल जल के भस्म हो जाती है और मुक्त हो जाती है। इस तरह मीरा उस चुड़ैल से सभी गांव वालों का पीछा छुड़ा देती है। मीरा की समझदारी के लिए एक लाइक तो बनता ही है।